नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज मैं इस वीडियो में एक पोएम कंप्लीट करना चाहूँगा जिसका नाम है द टाइगर और इसका पोएट है पीटर निबलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टांजा फर्स्ट। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रॉल्स। इट मीन्स बाघ अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे गुर्राता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नार्ल्स। इट मीन्स बाघ अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक वो गरजता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स। इट मीन्स टाइगर अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे लॉन्ग टाइम तक चीखता है और दहाड़ता है। इट मीन्स क्या हुआ, यानी जो टाइगर है पूरी तरह से क्या होता है, वो जंगली जानवर होता है। जंगल ही उसका नेचुरल हैबिटेट होता है, उसका एनवायरमेंट होता है। पर अगर उसे कैद करके पब्लिक यूज़ के लिए चिड़ियाघर में रखा जाता है तो ये सारी बातें वो सोचता है और समझता है और एक शॉर्ट टाइम तक वो गुर्राता है, गरजता है और दहाड़ता है। स्टांजा टू। देन ही थिंक्स। तब वह सोचता है। इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम। हर समय सलाखों के पीछे न रहना अच्छा होगा। बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू। यानी टाइगर का यह मानना होता है कि जब उन्हें चिड़ियाघर में पब्लिक यूज़ के लिए रखा जाता है तो शायद उनकी जो फीलिंग्स है, उनका जो नज़रिया है, उनकी जो आज़ादी है, वो छीन ली जाती है। फिर वो क्या सोचता, आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो। फिर वो सोचता है काश मैं शो में नहीं जंगली होता, यानी अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, ताकि अपने मन मुताबिक जी सकता और साथ ही साथ हर वो काम कर सकता था जो मैं करता। स्टांजा थ्री। बट इफ आई वर वाइल्ड हंटर्स माइट शूट मी। पर वो ये भी सोचता, परंतु यदि मैं जंगली होता तो शायद शिकारी मुझे गोली से मार दिया हुआ होता। बट इफ आई वर वाइल्ड फूड माइट पॉइजन मी। परंतु यदि मैं जंगली होता तो शायद मुझे फूड ने जान ले ली होती। बट इफ आई वर वाइल्ड वाटर माइट ड्रॉन मी। परंतु यदि मैं जंगली होता तो पानी से, वाटर से मेरी मौत हो सकती थी। इट मीन्स पानी मुझे डुबो देता। स्टांजा फोर। देन ही स्टॉप्स थिंकिंग। फिर उसने सोचना बंद कर दिया। एंड टॉट टॉट। और वो क्या कहता फिर वापिस, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रॉल्स। फिर से वही बात दोहराता, बाघ अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे गुर्राता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नार्ल्स। यानी बाघ अपने पिंजरे के पीछे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक गरजता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स। और बाघ अपने पिंजरे के पीछे लॉन्ग टाइम तक दहाड़ता है और उसे गुस्सा भी आता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरी तरह से पैक होता है, यानी उसकी आज़ादी छिन जाती है। तो इस बात को लेकर के उसकी उसे आहत भी होती है और वो उसकी फीलिंग पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। तो ये था आपका ओवरऑल पोएम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।